जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल राजभर फिर से रेयन सोलर चैनल की तरफ से आज बताने वाला हूँ स्मार्टन का जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है 30 एम्पीयर का 12 वोल्ट 24 वोल्ट का, तो इसको कैसे मैनेजमेंट मतलब हैंडल करना, कैसे मतलब इसका कनेक्शन करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं इसमें दिखा रहा है पिक्चर मतलब दिख रहा है, और इसमें जो PV प्लस है PV माइनस, बैटरी प्लस बैटरी माइनस। जो PV प्लस मतलब जो पैनल सोलर पैनल से जो अभी मान लो किसी के घर पे मतलब ऑलरेडी पहले से इन्वर्टर और बैटरी है नॉर्मल वाला, तो उसको अपग्रेड करके मतलब जैसे PV सोलर पैनल लगाना है 12 वोल्ट 24 वोल्ट का, तो बता रहा हूँ इसके लिए। तो ध्यान दीजिए, मतलब ये जो 12 वोल्ट में जो रहेगा सिंगल बैटरी लगेगा, 24 वोल्ट में डबल बैटरी लगेगा, तो इसका ऐसा मतलब बता रहा हूँ। वो जो 12 वोल्ट का रहेगा वो पैरेलल रहेगा, और जो डबल बैटरी का 24 वोल्ट हो जाएगा डायरेक्ट 24 वोल्ट का, तो इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए, तभी जो इसमें आउटपुट दिख रहा है NEL न्यूट्रल अर्थिंग लाइन दिख रहा है इसे। PV प्लस मतलब PV मतलब रेड वायर हो गया जो पैनल से आएगा PV मॉड्यूल का, PV प्लस रेड वाला इस प्लस में हो जाएगा, PV मॉड्यूल में PV प्लस माइनस मतलब ये ब्लैक वाला वायर इसमें हो जाएगा माइनस वाले में PV माइनस, और बैटरी का जो रहता प्लस वायर जो आउट जाएगा बैटरी के इसमें से बैटरी जाएगा, बैटरी में जो प्लस वाला रेड वाला वायर जाएगा बैटरी में, बैटरी माइनस जो माइनस वाला वायर जाएगा माइनस में। अभी जस्ट आगे देखो दिखा रहा हूँ। अभी देखिए इसमें पिच में दिख रहा है कि मतलब कैसे क्या है। अभी इसका जो सोलर पैनल दिख रहा है इसमें, और चार्ज कंट्रोलर है, इन्वर्टर है, बैटरी है, ये 12 वोल्ट का है मतलब दिखा रहा हूँ। तो बाद में इसका सॉकेट जो गया सप्लाई घर में, घर के लिए सप्लाई गया है, वहाँ से सप्लाई यूज कर सकते हैं। स्मार्टन का सोलर स्मार्ट MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पीयर 12 वोल्ट 24 वोल्ट का, तभी ये 12 वोल्ट का है। कैसे मतलब ये यूज करना है, जिसे सिंगल बैटरी पर 12 वोल्ट बोलते हैं, बोल सकते हो। जैसे मान लो प्लस वाला आया जो है आया आ गया यहाँ पे PV प्लस, और माइनस वाला ब्लैक वाला वायर आएगा PV माइनस मतलब ब्लैक वायर हो गया ब्लैक, और बैटरी प्लस मतलब रेड वाला वायर आएगा बैटरी में माइनस प्लस में, और माइनस वाला वायर आएगा बैटरी माइनस में। तो यहाँ से मतलब फिर जाएगा इसमें नॉर्मल इन्वर्टर में सप्लाई। अब इन्वर्टर में सप्लाई होके मतलब फिर जा रहा है, फिर यहाँ से इन्वर्टर उसको बदल मतलब कन्वर्ट करके वहाँ से मतलब घर में लेके जाएगा, फिर यहाँ से दिया है आउटपुट मतलब कैसे लेना है, यहाँ से मतलब जाएगा इन्वर्टर मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर के लिए गया है लाइन न्यूट्रल अर्थ को घर घर में लेके जाया था, कनेक्शन किया हुआ है। और डायरेक्ट मतलब इसमें से भी लिया है और इधर से भी लिया है, जैसे देखिए। और क्या है सोलर पैनल जो 24 वोल्ट का दिखा रहा हूँ, 24 वोल्ट वाला कैसे है, बैटरी जो सीरीज में लगा है इसमें देखिए वही सेम है, बैटरी सीरीज में हो गया है यहाँ पे। यहाँ से मतलब फिर आउटपुट लिया जा रहा है सप्लाई इन्वर्टर के लिए डायरेक्ट मतलब चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्ट मतलब आया इन्वर्टर में, और ये भी मतलब फिर डायरेक्ट मतलब घर में घर के लिए भी जा रहा है उधर से इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में, ये हो गया। फिर आगे बता रहा हूँ, देखिए स्मार्टन MPPT सोलर मैनेजमेंट यूनिट 30 एम्पीयर 12 वोल्ट 24 वोल्ट कंट्रोलर, ये है इसका प्राइस है 45 रुपया। इसको मतलब ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं, लूम सोलर वेबसाइट से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट समरी में दिखा रहा हूँ मैं, इसमें क्या क्या है समरी में। दिस प्रोडक्ट्स कन्वर्टर्स एंड एग्जिस्टिंग UPS इन्वर्टर इनटू अ सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर द प्राइम सीरीज, बेसिकली अब MPPT PCU किट दैट एक्सट्रैक्ट ऑल द अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल, ऑल यू हैव टू डू इट इज टू इंस्टॉल। मतलब यहाँ पे मतलब इसको लगा सकते हैं सोलर पैनल, अवेलेबल एनर्जी मतलब मिल सकता है इंस्टॉल चार्ज मतलब MPPT चार्ज कंट्रोलर विथ योर एक्साइटिंग इन्वर्टर एंड सोलर पैनल, इट इज 30 एम्पीयर MPPT चार्ज कंट्रोलर, इसमें चार्ज कंट्रोलर दैट कनेक्ट विथ सिंगल बैटरी 12 वोल्ट जो 24 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं डबल और सिंगल में, और सपोर्ट अप टू मतलब 500 वाट तक सपोर्ट कर सकता है जो पैनल जो रहेगा, जो पैनल जो 30 एम्पीयर वाला है 12 वोल्ट 24 इसमें 500 वाट का जो पैनल यूज कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं, जो सिंगल के 12 वोल्ट के लिए, और डबल बैटरी मतलब 1000 वाट का बैटरी आएगा इसमें पैनल, इट इज द टू बैटरी सिस्टम 24 वोल्ट 1000 वाट मतलब।
वर्क विथ 12 and 24 volt बैटरी सिस्टम, LCD डिस्प्ले, 30% मोर पावर। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें जो PWM होता है और MPPT, इसमें जो 30% पावर जो अपन जनरेट होता है सोलर पैनल से वहाँ पर लॉस हो जाता है, और ये 30% वही बढ़ा के देता है, इसको लॉस नहीं होता। इसके लिए दो इसमें क्वालिटी टाइप बनाया हुआ है, MPPT एडवांटेज जनरली ऑन अ PWM टाइप चार्ज कंट्रोलर इफ यू आर हैविंग सिंगल बैटरी सिस्टम। मतलब हैवी मतलब बनाया डिजाइन करके 12 वोल्ट और रिकमेंड टू कनेक्ट टू कनेक्ट सिंगल मॉड्यूल, मतलब सिंगल पैनल जो कनेक्ट कर सकते हैं 180 वाट और 20 वोल्ट पैनल। बट इफ यू आर यूजिंग MPPT कंट्रोलर यू कैन कनेक्ट अप टू 350 वाट्स 40 वोल्ट ऑफ सिंगल पैनल। मतलब जो सिंगल पैनल जो 350 वाट तक दिखा रहा है, इसमें जो ये जो 300 वाट के ऊपर जाएंगे वो 24 वोल्ट हो जाएगा, तो वहाँ से उसके लिए मतलब दिखाया जा रहा है कि 350 वाट मतलब यूज़ कर सकते हैं सिंगल पैनल, मतलब सिंगल पैनल 400 वाट का भी हो सकता है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं 40 वोल्ट सिंगल पैनल ऑन अ सिंगल बैटरी सिस्टम। तो ये सिंगल बैटरी सिस्टम के उतर अप्लायंस मतलब अपग्रेड सोलर सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, फॉर की लिफ्ट, टेलीकॉम इंस्टॉल। मतलब आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें, जो भी होगा कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई देंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे। थैंक्स फ्रेंड, लाइक शेयर।